know they say actually ABCD में एक dialogue है where we say कि अगर आप music feel कर सकते हो then anybody can dance. और ये हमारे देश में बहुत होता है. This happens in our country a lot. You'll see sometimes music plays and people dance really weirdly, but that weird step can be a really. I think that's how Gangnam Style came out. I mean, what is Gangnam Style? It's a guy on a horse. So in our Punjabi parties and all, you see an uncle drink ke saath, aisa aisa music chal raha hai. They're moving like that. कोई ऐसा ऐसा जा रहा है. All these weird steps are actually steps. They're proper dancing only according. You know, I come from Chandigarh. I grew up there. People don't even need music over there. After two pegs, we can dance on generator also. To the. ऐसा हीरो हमको मिल नहीं सकता. I think कभी मेरे को प्रूव कभी मुझको ऐसा फील नहीं करा इसने कि ये हीरो है करके. Like श्रद्धा वरुण ये लोग सब हम लोग को बोलते कि सुशांत हम लोग को अच्छा लगता है जब तुम लोग को मिलते हैं. मगर हम लोग मैंने उसको यही बोला कि मुझे अच्छा लगता है कि एक हीरो मेरा दोस्त है. थैंक यू रेमो सर, थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू सुशांत भाई, थैंक यू धर्मेश भाई कि आप लोग मेरी लाइफ में आए और मैं यहाँ तक पहुँचा. स्पेशल थैंक्स टू धर्मेश भाई एंड रेमो सर जिनके पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करता हूँ. He's someone that I respect a lot as well. Such a clean dancer. I don't want to say too much because I know ये बहुत embarrassed हो जाते हैं जब मैं इनको praise करता हूँ या कुछ. तो मैं रेमो सर को बोल दूंगा क्योंकि रेमो सर का हक भी है praise करने. मैं पहले रेमो था, रेमो सर इसकी वजह से हुआ हूँ. उसके बाद जिस तरीके से सर बोलना शुरू किया उसके बाद से मेरा नाम के आगे सर लगा है. एंड ABCD बनने का रीज़न भी यही लोग हैं जो बैठे हैं. ये जब पहली बार इनसे मिला था तब मुझे लगा कि यार इंडिया में ऐसे डांसर्स हैं देन हम लोग क्यों नहीं बना सकते ऐसी फिल्म. तो एक्चुअली ABCD बनाने का रीज़न दीज आर द गाइज वर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू सो मच कि ABCD 2 में भी सर मुझे लिया. और मेरा और रेमो सर का जो कनेक्शन है जो स्टोरी वो तो आप जानते हो, आपने देखा होगा. सो एंड और एक बड़ी बात, मैंने सोचा नहीं था कि श्रद्धा कपूर एंड वरुण धवन के साथ काम करने का मौका मिलेगा. सो थैंक यू सो मच. मैं सच बोलूं आज तक मैंने ऐसा हीरो नहीं देखा जो खाना खाने भी साथ में बैठता है. चेयर हम लोग को नहीं मिलती, कभी चेयर नहीं होती तो वो भी नहीं बैठता, हमारे साथ खड़ा रहता और इन्हें पता है कि हम कैसे शूट किया है. सो थैंक यू सो मच गाइज और इस इवेंट के लिए थैंक यू सचिन सर, जीगन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. First, I've never got the opportunity to thank these three publicly. Remo sir, I have already, he knows what he means to me. But to these three and to Puneet, Jack, Shraddha, all the other dancers that were there, Suresh also who was there, who I'm going to call on stage later. But I want to tell three of them that what a big impact they've had in my life. And जब हम लोग गुरु की बात करते हैं ना, इट्स समथिंग एल्स. एनी वन हु कैन टीच यू समथिंग इज योर गुरु अकॉर्डिंग टू मी. छोटी सी भी चीज़ आपको सिखा देना वो आपका गुरु है. एंड ये तीनों ने मुझे बहुत सिखाया है ऑनेस्टली. रेमो सर मेरे को खाली बोलते थे आज डी से सीख ले, ये सुशांत का ब्लॉक है सुशांत से सीख ले, ये राघव का ब्लॉक है राघव से सीख ले. एंड ईजी नहीं होता इन लोग का ब्लॉक. एंड दे आर बिग गाइज, देव टॉट, देव आई मीन देव डन सो मेनी शोज. बट ये लोग टाइम लगाते थे, ट्रेन से, बाइक से, गाड़ी से आते थे मुझे सिखाने के लिए, मेरे साथ वक्त बिताते थे. आज भी सुबह में मैं रिहर्सल कर रहा था, सुशांत मेरे साथ बैठा 3 hours, ही जस्ट सैट एंड वॉज देयर बिकॉज आई वॉज रिहर्सिंग. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक द स्टेज एंड टेल ऑल थ्री ऑल थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जेन्यूनली. एंड हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि मतलब हीरो को आगे खड़े रहो, हीरो हीरो को सेंटर में खड़े रहो, बट ऑनेस्टली मेरे लिए ये हीरोज है एंड आई मीन दैट. अनदर पर्सन विदाउट हुम दिस फिल्म वुड नॉट बी पॉसिबल, the person on whose character I am based on, the journey is based on fictitious group, I want to call one of the leaders, Suresh. Can Suresh please come here, the real Suresh. Especially thanks to Remo sir, jinhone itna support diya, itna hamare liye kiya. And talking about Varun, matlab mere liye isse bada achievement life mein kuch nahi ho sakta ki mera character Varun Dhawan play kar raha hai, superstar Varun Dhawan. So I'm really happy. And वरुण वरुण का डांसिंग के बारे में बोलूँ तो मतलब स्टार्ट में जब हमने शुरू किया था तो हम लोग मतलब मेरे डांसर्स लोग 8-8, 10-10 घंटा रिहर्सल्स करते थे. दो दो तीन तीन दिन बाद एक एक्ट सेट होता था एंड वरुण आता था 2-3 घंटे में करके खत्म करता था. तो ही इज एक्चुअली रियली गुड डांसर. क्योंकि हम लोग मुंबई में है, महाराष्ट्र में, आमची मुंबई में है, तो आई वॉन्ट कि तू मराठी में एक मैसेज दे दे सबको. आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई जस्ट फील कि हमारे जो नेशनल डायलैक्ट्स है बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट है और हम लोग को उनमें बात करना चाहिए.
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें. तो सुरेश तू मराठी में बोल डाल. मैं तो एक ही जरा घेऊन टाक.